जय सियाराम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियाराम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्यमतो शरणागतो अस्मि। सियाराम जय राम जय जय राम, सियाराम जय जय सियाराम, सियाराम जय राम जय जय राम, सियाराम जय जय सियाराम, सियाराम जय राम जय जय राम, 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 सियाराम जय जय सियाराम। जय सियाराम। भर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय सियाराम। तो कहां तक आ गए हम? अब गरुड़ जी ने दूसरा सवाल कर दिया काकचुंडी जी के आगे कि हे प्रभु मुझे ज्ञान और भक्ति में अंतर बताइए। तो काकचुंडी जी कहते हैं कि वैसे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी जो मुनि जन ने बताया है मैं आपको वैसा बताता हूं। तो कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य ऐसे ये सब पुरुष प्रवृत्ति के होते हैं और माया मूर्ख प्रवृत्ति की होती है। जिसके अंदर ज्ञान होगा, धैर्य होगा, बुद्धि होगी, वही माया को त्याग सकता है। अब आगे करते हैं। जय सियाराम। सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवस होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख कर विवश हो जाते हैं, अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जिनके अंदर वैराग्य है, ज्ञान है, योग विज्ञान सब कुछ है, वह भी स्त्री के चंद्र रूपी मुख के अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। जय सियाराम। इहा न पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भाषौ, मोहन नारी नारी के रूपापन्न गारी यह रीति अनूपा। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। अब क्या कह रहे थे लास्ट एपिसोड में कि कुछ लोग कहेंगे कि पुरुष को अच्छा बता रहे हैं, स्त्री को मूर्ख बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। काकचुंडी जी कह रहे हैं कि मैं कोई पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूं, जो वेदों में लिखा है वही कहूंगा। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आजकल तो सब कुछ संभव है वैसे, पर हम उसकी बात नहीं करते। हम बात करेंगे जो रूटीन में चलता है, जो हम रूटीन में देखते हैं दुनिया में। तो कहते हैं कि एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब कौ, पुनि रघुबीर रही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। अब कह रहे थे ना कि स्त्री को मूर्ख बता रहे हैं, पर भक्ति भी स्त्री रूपा है, तो भक्ति तो कितनी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कहते हैं कि खुद से बुक्स में पढ़कर कुछ भी मीनिंग मत निकालिए, गुरुओं से सीखिए, शुद्ध भक्तों से सीखिए, उसका मीनिंग जानिए, तब कुछ आगे बात करिए, अदरवाइज भ्रम में मत रहो। तो कहते हैं कि माया भी और भक्ति भी दोनों स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानता है। फिर श्री रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, ना कि माया। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भक्ति निरूपम निरूपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भक्ति सकल सुख खानी। कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है।
उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। अर्थात जो सुबुद्धि होंगे, जो ज्ञानी विज्ञानी होंगे, वो कभी भी माया के पीछे नहीं भागेंगे, वो हमेशा भक्ति ही मांगेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर हम डेली रूटीन से एक एग्जांपल लें, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हम भगवान के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं हम? हे प्रभु मुझे नौकरी दिला दीजिए, हे प्रभु मेरे पास घर नहीं है, हे प्रभु शादी करवा दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो माया से प्रभावित होती हैं। इसी को माया बोला गया है। पर जो एक साधु पुरुष होगा, भक्त होगा, वो कभी ये चीजें नहीं मांगेगा। वो हमेशा कहेगा, हे प्रभु मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं। एक शुद्ध भक्त हमेशा ऐसे ही मांगेगा। वही चीज यहाँ पे काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि उनके गुरुओं ने क्या बताया था, भक्ति और ज्ञान में अंतर। ठीक है, माया भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। तो कहते हैं कि जो विज्ञानी मुनि है वे सुखों के कारण भक्ति की ही याचना करते हैं, ना कि माया की। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने हूं मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी से कोई ही नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है वह स्वप्न में भी मोह से प्रभावित नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सौ प्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए। सिर्फ इतना भेद नहीं है कि माया मूर्ख है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भी भेद है। जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एकता प्रेम हो जाता है। अब कहते हैं ना कि हम भगवान से डर की वजह से हम उनकी पूजा करते हैं कि अगर हमने भगवान की पूजा नहीं की तो हमारा कुछ ना कुछ बेकार होगा, कुछ ना कुछ गलत हमारे साथ होगा। डर की वजह से नहीं, भगवान कभी भी डर से अपने बच्चों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते कि वो डरे तब मेरी पूजा करें। वो तो निर्मल प्रेम चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे मुझसे प्रेम करें। अब काकभूषुंडी जी अगला जो अंतर बता रहे हैं उससे हमारा श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम होगा। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव यह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। अब दूसरा जो उत्तर दे रहे हैं काकभूषुंडी जी, दूसरा जो अंतर बता रहे हैं भक्ति में और ज्ञान वैराग्य वगैरह में, तो उसके बारे में एक छोटा सा बताया कि आज जीव ईश्वर का एक अंश है, बेस बना रहे हैं उसका। यह अविनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। कौन? जीव, जो भगवान का एक अंश है। उसका स्वभाव क्या है? खुशनुमा स्वभाव है, निर्मल है। जीव का जो भगवान का अंश है वो निर्मल है। वो तो हम बाद में उसको खराब कर देते हैं अपनी गलत आदतों से, पर वो शुरू में जब आता है भगवान का अंश, वो निर्मल होता है, अविनाशी होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। स्वभाव से ही वो सुख की राशि होता है। वो तो बाद में हमारे ऊपर दुख आते हैं जब हम माया में पड़ जाते हैं, पर शुरू में जो उसका इनिशियल फेज होता है उसमें वो सुख की राशि होती है। तो आगे कथा हम कल करते हैं। जय सियाराम।